रमजान भाई, ये जो सारे आप डायलॉग बोल रहे हैं ना, जो सारी लाइनें आपकी कि हम तो राजनीति करने नहीं आए हैं, हमें तो राजनीति आती भी नहीं, जनता ही करा दे, ये सारे के सारे अरविंद जी भी बोलते थे दिल्ली चुनाव से पहले, और अब एकदम मास्टर पॉलिटिशियन साबित हो रहे हैं। कहते हैं राजनीति नहीं करेंगे लेकिन करते हैं फुल राजनीति। नहीं देखो, ये अपने अपनी सोच होती है हाँ। लेकिन अरविंद जी देखो मुद्दों की राजनीति करते हैं हाँ। मैं पत्रकारिता भी मुद्दों की पत्रकारिता करता था हाँ। मैं किसान का मुद्दा उठाता था, उनको दाम नहीं मिल रहे थे वो उठाता था। मैं पेपर लीक होते तो बच्चों की, बेरोजगार बच्चों की मुद्दा उठाता था। यही तो है काम। राजनीति मतलब क्या? समाज सेवा का बड़ा स्वरूप यानी कि राजनीति, मैं हाँ। जो मान रहा हूँ। तो इस हिसाब से अरविंद जी ने अच्छी स्कूलें की। देखो आपने आपने मैंने देखा था, आपने कवरेज किया था हाँ। अरविंद जी एक ऐसा नेता था जो 2015 में ऐसा बोलता है मुझे एक मौका दे दीजिए हाँ। 2020 में ये कहता है हिंदुस्तान का एक मुख्यमंत्री कि मैंने काम किया हो तो वोट देना। तो यही तो काम की राजनीति है राहुल जी। देखो यहाँ ईश्वर ने हमें भेजा है हाँ। अपने लिए या पैसा कमाने लिए, करोड़ रुपये इकट्ठा करने के लिए नहीं भेजा है, हमें भेजा है जनता की सेवा करने। यहाँ तो मूंगफली निकल रही है इस वक्त। यस, ये मूंगफली है। देखो इसका दाम नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात ये है राहुल जी, मैं राजनीति में आया ना हाँ। उसका एक कारण वही भी है कि ये देखो मूंगफली है हाँ। ये दिन रात इनकी मेहनत करनी पड़ती है हाँ। इसमें रात को बिजली आती है, रात को बिजली आती है, रात को बिजली आती है, दिन में नहीं आती, दिन में बहुत कम आती है। तो इसको पानी पिलाकर मूंगफली नहीं आती है। ये जो हॉर्स पावर की हो ना वो रात को ज्यादा आती है हाँ। तो रात को किसान है वो पानी ये पिलाता है इसको, फिर मूंगफली आती है। देखो ये मूंगफली का दाम क्या होगा इनको पता नहीं है। ये शर्ट आपने ली है ना, क्या है दाम? मैं तो कह रहा हूँ ये शर्ट आपने ली है, कंपनी वाले को पता है किस दाम में बेचनी है। ये शर्ट मैंने भी ली है। ये किसान ने ये मूंगफली रात दिन मेहनत करके बनाई, इसको पता नहीं है मेरा दाम क्या है हाँ। यही तो हालत है। नहीं तो आपके हिसाब से दाम क्या होना चाहिए अभी? दाम क्या है? देखो अभी ये 800-900 में जा रही है हाँ। अब अगर हम पोषण श्रम भाव की बात करें एमएसपी की तो 1098 है। मैं बोल रहा हूँ ये 1400-1500, इसको 1500 तो मिनिमम मिलने चाहिए। क्यों, कैसे कैसे तय होगा? देखो ये महंगाई बहुत बढ़ गई, डीजल है। अब ट्रैक्टर हमने चलाया, अभी ट्रैक्टर का पहले 60 रुपये लीटर था, अब 90 प्लस है, 100 के आसपास। तो कितना बढ़ गया खर्चा? डेढ़ गुना बढ़ गया। तो इस हिसाब से सभी में बढ़ा। तो देखो हमने ये तय किया है कि किसानों का अगर आम आदमी पार्टी की सरकार रही ना हाँ। तो इसको पहले से पता चल जाएगा मुझे कितना भाव मिलने वाला, नहीं पर दाम कितने मिलने वाले हैं। यही तो राजनीति। नहीं पर ये जो बातें आप कह रहे हैं भाव की, एग्जैक्टली यही बात तो आम आदमी पार्टी ने अभी पंजाब के चुनाव से पहले की कि एमएसपी ये कांग्रेस की सरकार नहीं देती, हम नहीं देंगे। अब बीजेपी वाले निकाल निकाल के भेजने की उन्होंने अपने यहाँ तो की नहीं, नहीं। अपने यहाँ जहाँ मौका मिले पंजाब में वहाँ तो कर दो, प्रूफ के तौर पे कि हम कर देंगे। मैं किसान के लिए आया हूँ हाँ। मैंने कहा ना कि मैं राजनीति में आया, उसका 5 कारण है, उसका एक कारण है किसान हाँ। किसान को दाम दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है, 12 घंटे बिजली दिन में देने की जिम्मेदारी मेरी है। पंजाब का बता रहा हूँ, सेम चीज कही थी वहाँ पे। देखो वो धीरे धीरे होगा वहाँ पे, अभी तक तो नहीं हुआ। नहीं मैं ये बोल रहा हूँ 6-7 महीने में होगा। मैं मुझे पंजाब का तो मैं ये बोल रहा हूँ कि गुजरात के किसानों को कर्जा 2 लाख तक का माफ करना मेरी जिम्मेदारी है। जब सरकार बनती है हम माफ करेंगे। किसान को चाहिए क्या आपको मैं बताऊं? एक तो दाम चाहिए हाँ। बिजली चाहिए और पानी चाहिए। भाई छोटी मोटी अगर सब्सिडियां कम कर दो ना तो भी किसान को जरूरत नहीं है। ट्रैक्टर में सब्सिडियां देते हैं ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि किसान को ये 3 भाव, दाम दे दे, पानी दे दे और बिजली दे दे, तो यहाँ 3 फसल ले सकते। अभी देखो आपने देखा होगा ये फसल शुरू हुई क्यों? कि बारिश अच्छी हुई थी तो अब पानी हुए कुएं में तो आ गया। अब ये 1-2 फसल हुई, अगर तीसरी फसल भी अगर किसान चाहे तो हो सकता है और उनको दाम मिल जाए। मैं बोल रहा हूँ उद्योगपति से कम नहीं रहेंगे किसान। ये मेरी आप बात करो, मेरी मतलब जमीन है तो अगर 3 फसल में लेता हूँ तो 2-3 लाख का मुनाफा हो जाएगा मुझे। तो एक गाँव में 500 किसान रहते हैं तो लाखों किसान है, 53 लाख किसान है। अब देखो कितना हमें उंडिया में भी मिलेगा सरकार को, बहुत बढ़िया है। ये तो इनको इनको इन पर ध्यान नहीं दिया गया किसी को। जब हम उद्योगों को ध्यान देते हैं ना उतना ही अगर हम किसान, क्योंकि हम खेती प्रधान देश है बराबर है, खेती में अगर ध्यान दे हमारी सरकारें तो मैं बोल रहा हूँ कि नंबर 1 देश बनते हैं।